धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। विधानसभा का ये पद आदरणीय नाना पटोले साहब के बाद खाली पड़ा था, बहुत कोशिश हो रही थी, परंतु राज्यपाल साहब ने उसको रोक के रखा था। परंतु कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, आज इस पद पर आप बैठे हैं आदरणीय राहुल नार्वेकर साहब, मैं आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। ये एक इंसाफ का मंदिर है, ये मंदिर कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, ये मंदिर मेजॉरिटी जो फैसला कर दे उस पे चलता है। परंतु मैं कहना चाहता हूं मेजॉरिटी से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हम माइनॉरिटी में हैं, मेजॉरिटी हमेशा हमारे खिलाफ फैसले कर दे तो हम कहां जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे ज्यादा हक आप पे मेरा है क्योंकि आप मेरे कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, कोलाबा के हैं। आपके पिताजी जब नगर सेवक थे शिवसेना से, जब से मेरी उनसे जान पहचान है, और आप वहीं से आप नगर सेवक बने, आमदार बने, और पड़ोसी का हक बहुत ज्यादा होता है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, जो बड़ी पार्टियां हैं वो अपना काम बहुत आसानी से करवा लेती हैं, मंत्रालय से, मंत्रियों से मिलकर, मगर छोटी पार्टियों के साथ इंसाफ बहुत कम होता है। अध्यक्ष महोदय, जैसे बचपन में पढ़ते थे स्कूल में, हाथ उठा उठा कर थक जाते थे, यही हालत यहां पे हम लोगों की है। एक छोटी सी बात बोलने के लिए अध्यक्ष महोदय दिन दिन भर बैठना पड़ता है, और जैसे शुरू करते हैं बोले टाइम पूरा हो गया, दो मिनट में घंटे बज जाती है, हम जल्दी जल्दी चिल्लाते हैं कि हमारी बात सुन ली जाए। अध्यक्ष महोदय, मुझे मेरी विनंती है कि हमारी बात भी यहां अच्छी तरह से सुनी जाए, और हम यही हाउस है हमारे लिए जहां हम अपनी बात को पूरी तरह कह सकते हैं और जनता के साथ इंसाफ कर सकते हैं। जन 3 लाख 3.5 लाख लोग चुनकर भेजते हैं हमें, और अगर हम अपनी बातें यहां पूरी नहीं कह पाते हैं तो जनता से ये समझती है कि हम जाकर वहां बैठते हैं, मस्ती करते हैं और अपनी बात नहीं कहना चाहते हैं। हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि आपकी काबिलियत, आप इंटेलिजेंट हैं। हमें हमारे सहयोगी रईस शेख हमेशा बताते हैं आपके बारे में, हाउस में किस तरह आपने काम किया, हम अखबारों में पढ़ते हैं आपके बारे में। कोलाबा में जब भी मैंने आपको फोन किया किसी काम के लिए, आपने बगैर देखे कि कौन सा पक्ष का कौन आदमी, आपने इंसाफ किया है, इस बात को मैं कह सकता हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप जरूर इंसाफ करेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमें अफसोस है, आज हम तटस्थ रहे यहां पर। अध्यक्ष महोदय, हम क्या करें, हम करीब जाते हैं हमको धुतकार दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, हमने इस महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को सपोर्ट किया, परंतु मुझे अफसोस है कि हमारे आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब ने जाते जाते आखिरी दिन इन्होंने औरंगाबाद, उस्मानाबाद का नाम चेंज कर दिया। अध्यक्ष महोदय, नाम चेंज कीजिए, अगर उससे कुछ देश का, महाराष्ट्र का कुछ विकास होता है, महाराष्ट्र में बेरोजगारों को रोजगार मिलता है, महाराष्ट्र में तरक्की होती है, तो मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन आप नाम चेंज करके क्या मैसेज देना चाहते हैं कि मुसलमानों के नाम को हटा करके क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय? अरे मैं कहता हूं कि पुराने शहरों के नाम बदलने से क्या होगा, नया कोई शहर बसाओ तो कोई बात बने। बहुत सारी जगहें पड़ी हैं, बनाइए ना, बाला साहब ठाकरे जी के नाम पर एक बड़ा शहर बनाइए, हम तालियां बजाकर स्वागत करेंगे, बनाइए बड़े बड़े शहर। लेकिन परंतु ये मुसलमानों के नाम को इस तरह बदल करके अध्यक्ष महोदय क्या कहना चाहते हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आज इस देश के अंदर, इस देश को तबाही के कगार पर लोग खड़ा कर देना चाहते हैं। हमें इस देश का संविधान कहता है कि इस मुल्क में रहने वाले सभी लोगों का बराबर का हक है, लेकिन यह हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, सबका मुकद्दर फूट जाएगा, बराबर रहे साथ अभिनंदना के ठहराव बोलाएगा। बारे बोलने तो दीजिए ना, जरा अभी फिर शुरू हो गए आप लोग, बोलने तो दीजिए ना, सुनिए, सुनने का जरा साहस रखिए। दुसरी आयुध आहेत, हे सर्व मुद्दे मांडण्यासाठी इतर आयुध आहेत। माझी आपल्याला विनंती आहे की आज आपण, हा पहिला दिवस आहे, माझं आपण अभिनंदन करण्यासाठी उभं राहिलं आहात असा माझा समज होता, तर कृपया आपण अभिनंदनाच्या ठरावावरती बोला। प्यार की बात बोली बोली खत्म करता हूँ। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू और मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम। और याद रखिए आप लोग,
ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा, देश संविधान से चलेगा। बच्चू कड़ू साहब बहुत आभार प्रकट करता हूँ। सम्मान्य सदस्य बच्चू कड़ू साहब।